मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। रेमो पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए एक शख्स से 5 करोड़ रुपए लिए थे। कोर्ट में पेश न होने के कारण रेमो के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हालांकि रेमो की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रेमो डिसूजा के खिलाफ शिकायत करने वाले गाजियाबाद निवासी सत्येंद्र त्यागी ने बताया कि रेमो ने उनसे साल 2016 में फिल्म के लिए 5 करोड़ लिए थे। त्यागी के अनुसार रेमो ने फिल्म रिलीज होने के बाद दोगुनी रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने रुपए नहीं लौटाए हैं। कोरियोग्राफी के साथ साथ रेमो डिसूजा ABCD2, ए फ्लाइंग जेट और Race 3 का निर्देशन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को Google Play Store से डाउनलोड भी करें।